आज मैं एक जापानीज साइंस फिक्शन फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेराफॉर्मर्स। कहानी की शुरुआत भविष्य में होती है जहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या धरती को तबाह कर रही है, जिससे हमारा इकोसिस्टम फेल होने की कंडीशन में एक बैकअप प्लान बनाने के लिए वैज्ञानिक मंगल के वातावरण को बदलने और इसे इंसान के लिए उपयुक्त बनाने का डिसीजन लेते हैं। इस प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगल की सतह पर काई को विकसित करने से करते हैं। काई इस ग्रह के तापमान को बढ़ाने और इसे पृथ्वी के तापमान के समान बनाने में मदद करेगी। इसकी सतह पर काई फैलाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोच भेजे जाते हैं। अब कहानी 2597 में वापस लौट कर आती है, जहां टोक्यो में कहीं कोमाची और नानाओ नाम के दो क्रिमिनल्स का पुलिस पीछा कर रही है। वे भीड़ के बीच से भागने की कोशिश में पकड़े जाते हैं। जैसे ही पुलिस उन्हें घेरती है, तभी एक फ्यूचर व्हीकल वहां आसमान से धरती पर लैंड करता है। व्हीकल के अंदर डॉक्टर होंडा और उनके असिस्टेंट होते हैं। वे दोनों क्रिमिनल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए वहां पर आए हैं। डॉक्टर उन्हें मंगल कॉलोनाइजेशन मिशन का हिस्सा बनाने की पेशकश करता है। इस मिशन के तहत कोमाची और नानाओं को मंगल पे जाना होगा और सभी कॉकरोच कॉलोनियों को खत्म करना होगा, क्योंकि अब वहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वे इस मिशन में हिस्सा लेते हैं तो डॉक्टर होंडा उनके क्राइम्स को माफ करवा सकता है। दोनों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची ट्रेंड होने के बाद बग्स 2 नामक अंतरिक्ष यान में जाते हैं, जहां उनके जैसे दूसरे क्रिमिनल्स भी उनके साथ मंगल ग्रह की उड़ान भरने के लिए रेडी होते हैं। नानाओ को हमेशा अपनी टीम की एबिलिटीज पर शक होता है, क्योंकि उनकी टीम ठगों और अपराधियों से बनी हुई है। वो इस बारे में कोमाची से बात कर ही रही होती है कि तभी जहाज के कप्तान किसुके दोजिमा उन्हें बताता है कि जहाज मंगल की सतह पर उतरने वाला है। वो सभी को लैंडिंग की तैयारी करने का ऑर्डर देती है। जब वे इस ग्रह को पहली बार छूते हैं तो वे देखते हैं कि मंगल अब पहले जैसा लाल नहीं रहा, बल्कि ये फैली हुई काई के साथ पृथ्वी की तरह दिखने लगा है। लेफ्टिनेंट मीना एक डिवाइस लॉन्च करती है जो कॉकरोच को मारने के लिए हवा में केमिकल्स छोड़ता है। कप्तान फिर उन्हें 2-2 के ग्रुप में फैलने का ऑर्डर देकर ये चेक करने के लिए कहता है कि डिवाइस काम कर रहा है या नहीं। वे 3 घंटे में मिलने का प्लान करके अपनी टीम के मेंबर्स को चुनते हैं। असुका नाम की मेंबर्स को याकूब के साथ टीम अप किया जाता है, लेकिन वो ग्रुप के कंप्यूटर एक्सपर्ट इचरो के साथ रहने पर जोर देती है। कप्तान इस रिक्वेस्ट को मान लेता है। तभी टीम के ड्रोन 10 साल पहले भेजे गए एक दूसरे जहाज का पता लगाते हैं, जिसका नाम बग्स 1 होता है। दोजिमा डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके उसे बताती है कि वे मंगल की सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। मिशन के अच्छे रिजल्ट की न्यूज सुनकर डॉक्टर खुशी से कूदने लगता है। इसके बाद ग्रुप के मेंबर्स सतह पर कदम रखकर मरे हुए कॉकरोचों की खोज शुरू करते हैं। जैन और मारिया नाम के 2 ग्रुप मेंबर्स काई पर कॉकरोचों को ना पाकर सरप्राइज हैं। फिर भी वे देखना जारी रखते हैं, लेकिन तभी अचानक दोनों के सामने 3 अजीब जीव आ जाते हैं। वे डर के मारे जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें ऐसे बड़े जीवों के बारे में नहीं बताया गया था जो मानव आकार के कॉकरोच की तरह दिखते हैं और उनके पास हथियार के रूप में क्लब है। इस बीच कोमाची और नानाओ जो मरे हुए कॉकरोचों की तलाश में होते हैं, ऐसे ही जीवों से मिलते हैं। कोमाची को वो अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ हाथ से इशारा कर ही रहा होता है कि तभी एक ही सेकंड में वो जीव नानाओ पर हमला कर उसकी गर्दन काट देता है। नानाओ की बॉडी को वहीं छोड़कर वो एक झटके में वहां से भाग जाता है। नानाओ कोमाची की बाहों में मर जाती है। तभी जैन की टीम आती है और कोमाची को उनके एनकाउंटर के बारे में बताती है। इन जीवों ने असुका को भी मार डाला है। वे जल्दी से वापस जहाज पर जाते हैं और कप्तान को इस जीव के बारे में बताते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कप्तान इस बारे में पहले से ही जानता था। उन्हें डॉक्टर द्वारा टीम के मेंबर्स को इस जीव के बारे में नहीं बताने का ऑर्डर दिया गया था। कप्तान बताता है कि 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोच वातावरण में बदलाव के कारण बहुत तेजी से विकसित हुए और अब इंसानों से ज्यादा मजबूत जीवों में बदल गए हैं। अब डॉक्टर टीम से वर्चुअली मिलकर उन्हें विश्वास दिलाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके लिए डॉक्टर काफी समय से तैयारी कर रहा था।
उन्होंने हर एक मेंबर के लिए स्पेशल इंजेक्शन तैयार किए होते हैं जो उन्हें कई कीड़ों के सुपर पावर प्रदान करेंगे। दवा उनके डीएनए को कीट के साथ जोड़कर अपग्रेड कर देगी जिससे वो उन सुपर पावर्स का यूज करके विकसित कॉकरोचों से लड़ सकते हैं। हालांकि मेंबर्स कॉकरोचों से लड़ना नहीं चाहते बल्कि वे मिशन को बंद करके तुरंत पृथ्वी पर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही उनके जहाज को वो जीव घेर लेते हैं। तभी गोडली नाम के टीम मेंबर ने कॉकरोचों को तब तक डाइवर्ट करने का जिम्मा लिया जब तक कि दूसरे लोग जहाज को फिर से चालू नहीं कर देते। वो बाहर जाता है और डॉक्टर द्वारा दिए गए केमिकल्स को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसके शरीर में तेजी से बदलाव शुरू हो जाते हैं जो उसे एक हाइब्रिड में बदल देते हैं। इससे ली अपने शरीर से आग की लपटों को बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। अपनी नई शक्तियों के साथ ली कॉकरोचों से लड़ना शुरू करता है जो उनके जितना ही ताकतवर लगता है। वो अपनी ताकत का यूज करके अपने हाथ से आग निकालता है। आग की लपटें कॉकरोचों को पीछे धकेलती है और उन्हें जला देती है, लेकिन जब ये आग कम हो जाती है तो वो देखता है कि कॉकरोचों का केवल एक्सोस्केलेटन ही जला है। तभी एक कॉकरोच उनकी ओर दौड़कर उसे एक झटके में मार देता है। इस बीच एक और कॉकरोच अंतरिक्ष यान से चिपटकर उसकी खिड़कियां तोड़ देता है। इसके बाद ये अंदर एंटर करके दो सदस्यों को मार देता है। दूसरे लोग ये देखकर डर जाते हैं। कप्तान जल्दी से खुद को केमिकल इंजेक्ट करके विकसित होने लगता है। उसका डीएनए बुलेट चींटियों के डीएनए से मिल जाता है जो अपने वजन से 100 गुना वजन की चीजें ले जाने की एबिलिटीज रखती हैं। कप्तान फिर आसानी से कॉकरोचों को फर्श पर पटक कर उन्हें मार देता है। टीम को उम्मीद मिलती है, लेकिन उनकी उम्मीद तब कम हो जाती है जब वे रडार से कॉकरोचों के झुंड को जहाज की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। ये जानते हुए कि वे उन सभी से नहीं लड़ सकते, वे जल्दी से उड़ान भरने और पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि जब लेफ्टिनेंट जहाज को चालू करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि इंजन खराब होने की वजह से सिस्टम बंद हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर जहाज को उड़ान भरने से रोकने के लिए तोड़फोड़ की हो। कप्तान जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि टीम बग्स वन में जाए और कॉकरोचों से लड़ते हुए बग्स टू को ठीक करने के लिए सभी जरूरी चीजों को ले आए। इस पर सब एग्री हो जाते हैं, लेकिन इसरो कप्तान के साथ पीछे रहने और उसकी मदद करने के लिए कहता है। दूसरे जहाज के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले कोमाची आखिरी बार नानाओं की लाश को देखने जाता है। उसने देखा कि उसके मुंह से अजीब तरह के तार निकल रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब टीम मार्स रोवर के अंदर पहुंच जाती है जिसे बहुत सारे कॉकरोचों के बीचों बीच यात्रा करनी होगी। तभी तेजुका नाम की एक मेंबर खुद को दवा के इंजेक्शन लगाकर मदद करने की पेशकश करती है। इसके बाद वो एक मैकली बग के रूप में विकसित हो जाती है जो बहुत तेज स्पीड से आग को बाहर निकाल सकती है। वो कॉकरोचों की भीड़ के बीचों बीच से मार्स रोवर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। इस बीच कप्तान अपनी पूरी ताकत से जहाज के अंदर कॉकरोचों से लड़ता है, लेकिन वे लगातार जहाज के अंदर आते रहते हैं। वो जल्दी से कंट्रोल रूम के लिए रास्ता बनाता है और जहाज के अंदर वाली ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है ताकि अंदर के सभी कॉकरोच दम घुटने से मर जाए। उसका प्लान काम करता है और जल्द ही कॉकरोच बेहोश होने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कप्तान की हालत भी खराब हो जाती है जिससे वो और इचरो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आता हुआ दिखाई देता है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो वे लाखों कॉकरोचों की लहर को अपनी तरफ आते देखकर सहम जाते हैं। तसुका अभी भी पीछे नहीं हटता और जहाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वे कॉकरोचों से लड़कर जल्द ही कॉकरोचों की लहर के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इसके बाद ग्रुप खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक और लहर उनके सामने आ जाती है। ये दूसरी लहर से भी बड़ी लहर होती है जिसमें लाखों जीव हैं। तसुका उन्हें अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए मारिया और ओसाकू नाम के दो मेंबर्स खुद को हाइब्रिड में बदल लेते हैं। तीनों उन सभी जीवों से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोवर पलट जाता है और आक्रामक रूप से जमीन पर गिर जाता है। इससे वो तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने से रोवर ऑटो पायलट मोड पर लग जाता है और बाकी सदस्यों को उस जहाज तक ले जाता है। तसुका, मारिया और ओसाकू जीवों के ढेर से लड़ने की कोशिश में वहीं पर मारे जाते हैं।
जब रोवर के अंदर का ग्रुप होश में आता है तो वे बग जोन पर पहुंच चुके होते हैं। वे अंदर जाते हैं जबकि दो सदस्य एंट्री गेट की रखवाली करने लगते हैं। मीना जहाज को चलाने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि कोई जहाज से पृथ्वी पर किसी को डेटा भेज रहा है। तभी ग्रुप गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भागता है। दोनों गार्ड्स मर चुके होते हैं। कॉकरोचों को बग जोन में हथियार मिल गए जिन्हें वे लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोमाची खुद को दवा इंजेक्ट करता है और हॉर्नेट में बदल जाता है। अपनी नई पावर के साथ वो कॉकरोचों के शरीर में एक ही पंच से छेद करके उन्हें मार सकता है। जैन भी ऐसा ही करता है और एक रेगिस्तानी टिड्डे में बदल जाता है जो 90 मंजिलों तक ऊंची छलांग लगा सकता है। जबकि मीना एक बिच्छू में बदल जाती है जो कॉकरोचों को टुकड़ों में काट सकती है। टीम उनका मुकाबला कर ही रही होती है। अगले सीन में डॉक्टर किसी को कॉल कर रहा होता है। फोन मंगल ग्रह पर एक कॉकरोच उठाता है। ये कॉकरोच जापानी बोल सकता है और डॉक्टर के साथ बात भी कर सकता है। वो उसे कोमाची के करीब नहीं जाने की वार्निंग देता है क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन बेहद खतरनाक है। कॉल कटने के बाद कॉकरोच बग्स टू जहाज के अंदर चला जाता है और उसकी ऑक्सीजन को फिर से सर्कुलेट करता है। फिर उसका शरीर बीच में से फट जाता है और अंदर से असुका निकलती है। टीम ने सोचा था कि वो मर चुकी है लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो पूरे समय डॉक्टर की तरफ थी। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी अनूठी शक्ति ये थी कि वो कॉकरोचों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए उसने कीड़ों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और वहां से बच निकली। फिर वो कप्तान को भी मार देती है और इचरो के शरीर पर पानी डाल देती है। इचरो भी शुरू से प्लान का हिस्सा थी। उसका शरीर एशियाई कोरोनामाइड में बदल गया, एक ऐसा प्राणी जो विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है और उसे जिंदा रहने के लिए केवल पानी की जरूरत होती है। यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर ने उन्हें एक कॉकरोच का अंडा धरती पर लाने के लिए मिशन पर भेजा था ताकि जापानी सरकार उनका प्रजनन करके अपनी सेना को मजबूत कर सके। ये उनका मेन मिशन था और कॉकरोच को खत्म करने वाला मिशन सिर्फ एक धोखा था। इचरो और असुका फिर अंडे के साथ जहाज की उड़ान भरते हैं। हालांकि अंडा बीच में ही पकना शुरू हो जाता है और दो विकसित कॉकरोचों को जन्म देता है। असुका उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है लेकिन ये काम नहीं करता। ये जीव दूसरों से कहीं अधिक विकसित है जिससे वे उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वे असुका को मार देते हैं और अपने लोगों को फोन करते हैं। कॉकरोच कॉल सुनते हैं और जहाज के लिए उड़ान भरते हैं। जब कॉकरोच का झुंड जहाज पर पहुंचता है तो ये खराब हो जाता है और बक्सवन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विकसित कॉकरोच जहाज से बाहर आते हैं और दूसरों को कोमाची और उनके ग्रुप पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं। कोमाची खुद को दवा का दूसरा इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसका विकास तेज हो जाता है। उसे नॉर्मल कॉकरोचों से लड़ने में तो ज्यादा कठिनाई नहीं होती लेकिन विकसित कॉकरोचों को हराना मुश्किल होता है। उनमें से एक ने मीना का हाथ काटकर उसे मार डाला। जिन ने खुद को दवा का दूसरा इंजेक्शन लगाया जबकि कोमाची अपनी तीसरी खुराक पर है। अपनी जबरदस्त शक्तियों से वो कॉकरोचों को तेजी से मारता है। हालांकि जीव फिर भी पीछे नहीं हट रहे। जिन ने खुद को फिर से इंजेक्शन लगाया और पंखों की एक जोड़ी विकसित कर ली। अब वे उनके साथ हवा में उड़कर लड़ाई करते हैं। वे झुंड में उन दोनों पर हमला करते हैं और उनकी संख्या के कारण उन्हें खत्म करना नामुमकिन है। आखिरकार जैन को पता चलता है कि उन्हें हराने के लिए उन्हें उनके लीडर्स को हराना चाहिए। वो खुद को कई बार दवा के साथ इंजेक्ट करता है अपने परिवर्तन को तेज करने के लिए। उसके बाद वो उनके लीडर्स में से एक को पूरी ताकत से लात मारता है और उसकी गर्दन टूटकर अलग हो जाती है। लेकिन अब उसने अपनी सारी शक्तियों का यूज कर लिया है और वो अब और नहीं लड़ सकता। कोमाची दूसरे लीडर्स से जिनको बचाने की कोशिश करता है लेकिन आसानी से हार जाता है। इससे पहले कि लीडर उन्हें मार पाता एक जादुई चमकता हुआ प्राणी उनकी ओर उड़ता हुआ आता है। ये चारों ओर चमकती धूल फैलाता है जबकि हर कोई उसे आश्चर्य से देखता रहता है। उड़ने वाला प्राणी नानाओ है जो अपने आखिरी रूप में विकसित हुआ है। कोमाचो नानाओ की ओर उड़कर जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता एक कॉकरोच उस पर फायर कर देता है। हालांकि नानाओ ने जो धूल बनाई थी वो छोटे विस्फोटक बन गए जिन्होंने विस्फोटों की एक श्रृंखला बना दी जिसने सभी कॉकरोचों को उड़ा दिया। विस्फोट होने से पहले जिन उड़ जाता है और कोमाची को समय पर बचा लेता है। हालांकि विस्फोट में नानाओ की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद कोमाची उठता है और देखता है कि जिन पूरी तरह से एक कीट में बदल चुका है।
जिन कोमाची को उसे वहीं छोड़कर धरती पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये अब उसका नया जीवन है। कोमाची जहाज की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लीडर अभी भी जीवित है। वो उसे घूंसा मारता है लेकिन उसके जीवन को बख्श देता है। जहाज के अंदर वो इचिरो को अभी भी जीवित पाता है। इचिरो उसके पीछे वाले कॉकरोच को मारकर कोमाची की जान बचा लेती है। फिर दोनों जहाज लॉन्च करते हैं और कॉकरोच उन्हें पृथ्वी पर जाते हुए देखते रह जाते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर को पता चलता है कि इचिरो ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और पूरी कहानी को दुनिया भर में प्रसारित कर रहा है। अब जब जापानी सरकार का राज दुनिया के सामने आता है तो डॉक्टर की असिस्टेंट डर जाती है। हालांकि डॉक्टर शांत रहता है और कहता है कि वो बग्स का डाटा दुनिया की दूसरी सरकारों को बेच देगा जो उसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब पता चलता है कि वो जापानीज जासूस है और अपनी गन डॉक्टर पर तान लेती है। लेकिन डॉक्टर पहले से ही हमले के लिए तैयार है। वो गोली डॉक्टर को छू भी नहीं पाती। फिर वो असिस्टेंट को जहर से मार देता है जिसे इमरजेंसी के लिए लैब में डाला गया था। अंतरिक्ष यान में वापस आते इचिरो मिशन में शामिल सभी को बेनकाब करने की कसम खाता है। ये पूछे जाने पर कि जब वो पृथ्वी पर वापस आएगा तो वो क्या करना चाहेगा, कोमाची ने जवाब दिया कि वो मरने वाले सभी लोगों की याद में कब्रें बनवाएगा और फिर मंगल पर वापस आ जाएगा। और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।